अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जौली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन कराता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जॉटिक फ्रूट को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को शहलम बेरी फ्रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों शहलम बेरी फ्रूट को इसके अलावा शहलम ब्लैकबेरी फ्रूट भी बोला जाता है। और दोस्तों बेसिकली ये ब्लैकबेरी फ्रूट की ही एक किस्म है। और दोस्तों इसे 1936 में अमेरिका के अंदर हिमालयन बेरी और सैनेटम बेरी को मिक्स करके यानी क्रॉस करके बनाया गया था। दोस्तों देखने का शैलम बेरी जो है लॉन्गन बेरी से छोटी होती है। और दोस्तों देखने अंदर बहुत ही खूबसूरत काली चमकदार रंग की होती है। और दोस्तों जायके के अंदर स्ट्रॉन्ग खट्टा मीठा टेस्ट लिए हुए होती है। और दोस्तों न्यूट्रन फैक्ट्स के बारे से शहलम बेरी की बात की जाए तो इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और दोस्तों शहलम बेरी का बहुत सारे तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसे रॉ फॉर्म के अंदर भी खाया जाता है। और दोस्तों इसे जैम बनाए जाते हैं, इसे जैनिस बनाए जाते हैं, इसे बहुत सारे जूसेस और बेवरेजेस भी बनाए जाते हैं। दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के मफिन्स और केक के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अगर शहलम बेरी फ्रूट के हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बात की जाए तो ये शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करने से शुगर से निजात मिल जाती है। और दोस्तों इसके अलावा जिस्म में से हर किस्म की सोजिश को दूर करती है। बहुत सारे कैंसर का इलाज इसके अंदर है। दोस्तों जिस्म के अंदर किसी भी जगह पर कोई ट्यूमर, गिल्टी, कोई उभार भर रहा है तो इसे ये खत्म करती है। और दोस्तों सांस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली गले के इन्फेक्शन को ये दूर करती है। और दोस्तों खून को पतला करती है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। और दोस्तों डिप्रेशन और एंजाइटी को भी कम करती है। और दोस्तों दिमाग को ताकत देती है, याददाश्त को बेहतर बनाती है। दोस्तों उसके अलावा मुंह की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों शहलम बेरी फ्रूट आपको पाकिस्तान इंडिया के बड़ी फ्रूट मंडियों में आसानी के साथ मिल जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा ये टिन पैक के अंदर जैम जेली फॉर्म में भी आती है। चले दोस्तों ये तो थे शहलम बेरी फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों शहलम बेरी को मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों शहलम बेरी कच्चा खाने से कब्ज़ होती है। दोस्तों जो अच्छी मकदार में पकी हुई होती है उससे ज़्यादा खाने से डायरिया होता है, पेट के अंदर गैस हो सकती है, एक्सट्रीम यूज़ करने से लूज मोशन लग सकते हैं, पेट के अंदर मरोड़ हो सकते हैं। तो इस वजह से आपने शहलम बेरी को मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसकी जो मुनासिब खुराक है वन सेशन के अंदर आप इसे 200 ग्राम तक आप इसे खा सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो थे शहलम बेरी फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रन फैक्ट्स, साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शहलम बेरी फ्रूट के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दिए आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपको कोई सवाल है शहलम बेरी फ्रूट के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो दोस्तों मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों शहलम बेरी फ्रूट से मिलता जुलता जो फल है, रसबेरी जो रेड कलर की होती है और ब्लैकबेरी जो काले रंग की होती है, उसकी भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। और दोस्तों उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, तो जाकर आप अलग से ब्लैकबेरी फ्रूट और रेड रेसबेरी फ्रूट के हवाले से भी वीडियो दे सकते हैं। शहलम बेरी इससे मिलती जुलती ही होती है। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी या कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जौली अजीम को इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।